आज जर्मनी में मीन्स दो दिन की हॉलीडेज़ हैं, थर्सडे एंड फ्राइडे, और सैटरडे संडे, मीन्स फोर डेज़ की छुट्टियाँ। तो हमने सोचा कि इस बार किसी सिटी को ट्रैवल करने के बजाय हम यहाँ पे हिल्स, हिल स्टेशन वगैरह एक्सप्लोर करें। तो आज हमारा प्लान है वर्नर रोड, मीन्स हॉर्स माउंटेन। और जब हमारा बस का सफ़र शुरू हुआ है तो यकीन करें कि आधा जर्मनी लग रहा था कि छुट्टियां मनाने निकला हुआ है। और थोड़ा सा नैप लेना समझें कि आपको बिल्कुल फ्रेश कर देता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं हेल्बर्स्टेड, और यहां से हम ट्रेन लेके पहुंचेंगे वर्निंग रोडे। गलत ट्रेन में चढ़ने का ड्रामा। और हम बहुत लकी रहे कि हमें एक बहुत बड़ा स्पेस ट्रेन में बैठने के लिए मिल गया। और अब हमारा सफ़र सिर्फ 15 मिनट का रह चुका था, और ये नज़ारे यकीन माने कि दिल को पुरसकून कर देते हैं। हर तरफ ग्रीनरी, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स, आर्किटेक्चर्स, एंड लाइक एक बहुत बहुत सुकून वाला एटमॉस्फेयर फील होता है इधर। हम लोग पहुंच चुके हैं वर्निंग रोड है, और अब हमारी डेस्टिनेशन है कैसल की तरफ, और फिर हम लोग जाएंगे श्री। और आपके पास 4 से 5 हज़ार दोस्त ऐसे हो टूर में जो आपको डेस्टिनेशन में पहले से पहुंचने, आपका सफ़र इतना अच्छा बना दें कि आपको डेस्टिनेशन पहले से ही अच्छी लगने लग जाए। तो ये हमारे दोस्त, और हम जर्मनी में हों तो पाकिस्तान की याद के लिए एक सराइकियों वाला पोज भी लाजमी बनता है। वर्निंग रोड के स्टेशन के बाद 5-6 किलोमीटर का हमारा रास्ता है, उसके बाद हमारी एक्चुअल शुरू होगी हाइकिंग, जो कि हमें पहुंचाएगी कैसल पे। और ये अच्छा तरीका होता है, पहले किसी की 2 तस्वीरें बनाओ, फिर उसके हाथ में अपना कैमरा बना दो, भाई अब मेरी ले। और हमें पहुंचना है उधर कैसल पे। तो अब हमारी शुरू हुई है एक्चुअल हाइकिंग। आप रास्ता देख सकते हैं, बहुत मज़े का है, चारों तरफ आपकी ग्रीनरी है और इतना प्यारा आपका वे है। एंजॉय। और अगर आप हाइकिंग कर रहे हैं तो आपके पास एक स्टिक होना बहुत जरूरी है। और ये इसने मारा है शॉर्टकट, और मुझे डर है कि ऐसे ही नीचे ना चला जाए। ये शॉर्टकट मार रहा है लड़का। वैसे जंगलों में गोरिल्ले ऐसे ही सफ़र करते हैं। और यहाँ हमारा सफ़र तकरीबन आधा हो चुका है, क्योंकि हमें अब कैसल बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, और अभी हम हैं श्लोस वर्निंग रोडे पे। फाइनली आफ्टर लॉन्ग 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 हाइकिंग हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और ये हमारा कैसल। और इतनी ऊपर हम बस यही व्यूज देखने आए थे, सुभान अल्लाह। और एक कोई अच्छा स्पॉट मिल जाए तो यकीन जाने कि वहां पे सबको पिक्चर्स बनवानी होती हैं। और ये मेरी अर्जेंट फ्लाइट है पाकिस्तान के लिए। जूस जूस। और फाइनली हमें एक बहुत पुरसकून जगह खाने के लिए मिल चुकी है, और हमारा आज का लंच है मैक्रोनीस। बढ़ने के रोडे में सबसे फेमस है आइसक्रीम, तो अभी हम खाएंगे आइसक्रीम। स्पीकर भी लेकर आए। Gracias.
अरे पास थे दो रास्ते, एक स्ट्रेट और एक था थोड़ा सा मुश्किल। तो हमने सोचा कि हम तो हैं खतरों के खिलाड़ी, लेट्स वॉक। तो ये है रास्ता, बहुत मजे का। और ये सिटी बहुत प्यारा है, यहाँ का स्ट्रक्चर वगैरह बहुत प्यारा बना हुआ है। तो ये है एक्चुअली हमारा, जिसको हम कहते हैं मरी का माल रोड। यहाँ पे हम खाएंगे आइसक्रीम और थोड़ा सा करेंगे फन। डिफरेंट चीज़ें आप खरीद सकते हैं इधर, और खाने पीने के बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं इधर, आप देख सकते हैं व्यू। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वर्निक रोडे के सेंटर पे, और ये पीछे छोटा सा कैसल है, बहुत खूबसूरत है। हर जगह बहुत प्यारा व्यू है, लोग ऑफर में बिजी है खाने पीने पे, बट यहाँ का जो खास बात वो है कि सारे यहाँ पे एक जगह गेट टुगेदर हुए हैं और यहाँ का एक बेस्ट व्यू आपको लगा। तो ट्रेन के रास्ते के बाद अभी हमारा सफ़र मैग्डेबर्ग की तरफ हुआ है, जो कि हमारी सिटी है, और यहाँ से डायरेक्ट बस जाएगी और तकरीबन 50 मिनट्स का ड्यूरेशन है। और ये सफ़र एक बहुत अच्छी यादों के साथ इख्तिताम पज़ीर होता है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।